Very good morning students. Today I will teach chapter 5 boards. Okay, boards chapter का नाम है जिसके writer का नाम है E.V. Lucas. Writer का नाम है E.V. Lucas. Okay, so board means आप लोग खुद समझते हैं बोर हमारे रोजमर्रा की लाइफ में बोले जाने वाले वर्ड है. बोर मीन्स किसी से अन्यथा ही बात करना विदाउट आई मीन सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है फिर भी आप जो बोलते चले जा रहे हो उसे कहा जाता है बोर. ओके सो यहाँ पर ईवी लुकस जी क्या कहना चाह रहे हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी. उसके पहले आप लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए जो मैंने कुछ मैंशन किए चैप्टर से निकाल के. फर्स्ट है ब्लंटली. ब्लंटली मीन्स साफ साफ. सेकेंड है नरेट. नरेट मीन्स वर्णन. क्लैवर मीन्स चाला. कन्वीनिएबल मीन्स मेल. कवर्ड मीन्स कायर. एश्योरेंस मीन्स विश्वास. ओकेजनली मीन्स समय समय पर. हैस्टनिंग मीन्स जल्दी करते हुए. और ह्यूमिलेटिंग यानी अपमानजनक. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे चैप्टर के बीच में आएंगे और जो वर्ड्स मैं मेंशन नहीं की हूँ वो मैं चैप्टर मेंशन करते हुए आपको बताऊंगी. तो फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ ये बोल रहा है कि द राइट अबाउट बोर्ड्स रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एश्योरेंस सेट सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बोर के बारे में लिखते वक्त इवी लुकस जी ये कहते हैं कि बोर के बारे में लिखते वक्त आप लोग की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो उनमें रिक्वायरमेंट ये है सुपीरियरिटी. आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर होना चाहिए है ना. और आपके अंदर क्या होना चाहिए एश्योरेंस होना चाहिए विश्वास होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए. मतलब बोर व्यक्ति के बारे में लिखने के लिए आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए तभी आप किसी बोर के बारे में लिख सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है. अ ट्रू बोर इज ऑलवेज अनवेयर ऑफ हिज बोरिशनेस. जो वाकई में बोर व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने बोरिशनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि वे बहुत बोर हैं. ठीक है. ही फुल्ली बिलीव ही इज द मोस्ट कंपेनियबल ऑफ मैन. उन्हें फुल बिलीव होता है कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ कहीं भी मिक्स हो सकता हूँ है ना. किसी भी फ्रेंड सर्कल में कहीं भी मैं मिक्स हो सकता हूँ. यहाँ पर मैंने एक वर्ड भी शेयर किया आप लोगों से कंपेनियबल मीन्स मेल मतलब मेरा मेल जो है वो कहीं भी हो सकता है. फिर क्या बोल रहा है. एवरी वन ऑफ सम टाइम इज बोर. हर कोई कभी ना कभी बोर होता है. एग्जाम्पल जैसे कि मीन्स मैं आप लोगों को टीच करती हूँ है ना. टीच मेरा वर्क है लेकिन यदि मैं आपसे 24 आवर्स सिर्फ टीचिंग की बातें करूँ तो आप लोग क्या हो जाएंगे मेरी इस क्वालिटी से क्या हो जाएंगे बोर हो जाएंगे. तो हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने फील्ड का कोई ना कोई ऐसा नॉलेज रहता है जिसके बारे में वो कंटिन्यू बात करता है तो सामने वाला बोर हो जाता है. इसलिए हमारे राइटर जी ये लिख रहे हैं कि एवरी वन एट सम टाइम इज अ बोर. हर कोई किसी ना किसी समय बोर होता है. फिर क्या बोल रहा है. बिकॉज एवरी वन ओकेजनली हैज़ अ फिक्स्ड आइडिया टू एक्सप्रेस. क्योंकि समय ओकेजनली भी मैंने शेयर किया. ओकेजनली मीन्स समय समय पर मतलब ओकेजनली. यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है कि एवरी वन ओकेजनली हैज़ अ फिक्स्ड आइडिया टू एक्सप्रेस. मतलब हर कोई समय समय पे अपने आइडिया एक्सप्रेस करता रहता है मतलब दूसरों से शेयर करता है. आल्सो इवन अ सेल्फलेस पर्सन हैज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस टू नरेट. मतलब यहाँ पे क्या होता है जो सेल्फलेस पर्सन होता है ना खुद के बारे में जो सोचता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस टू नरेट विच ही कैन डू ओवर मच. वो ये बोल रहा है कि जो अपने अनुभव शेयर करता है और जिसकी वो बहुत ज़्यादा अति भी कर सकता है मतलब अपने अनुभव बताते वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है बोलते ही चला जाता और सामने वाला क्या हो जाता है बोर हो जाता है. तो यहाँ पे ये सेंटेंस बोल रहा है. फिर क्या बोल रहा है. बोर्स एज अ रूल आर ऑलवेज बोर्स. दिस इज बिकॉज देयर बेसिक क्वालिटी इज egotism और selflessness. जो बोर व्यक्ति होते हैं उनका एक रूल होता है. क्या रूल होता है कि दिस इज बिकॉज देयर बेसिक क्वालिटी इज egotism और selfishness. वो लोग मतलब उनके अंदर एक अहम भाव आ जाता है. उसका अहम भाव ये आता है वो कि स्वयं से आता है उनका अहम भाव. आल्सो इवन अ सेल्फलेस पर्सन हैज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस टू नरेट विच ही कैन डू ओवर मच. ये मैंने आपसे शेयर कर दिया था है ना अति कर सकते हैं. फिर यहाँ पे बोल रहा है कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस
ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, वो लोगों के अंदर ये अहम भाव आता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उनके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसा उनके अंदर अहम भाव आ जाता है, खुद की बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. फिर ऑल दैट happens to them, they believe its interest to others. और वो हमेशा ऐसा विश्वास करते हैं कि हम इतने important person हैं कि दूसरे लोग हमेशा हम लोगों पर क्या करेंगे, interest दिखाएंगे, हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, ऐसा उनके मन में हमेशा रहता है. फिर ये बोल रहा है कि दे बिलीव इज ऑफ इंटरेस्ट टू अदर्स, दे आर सेंट्रल फिगर्स इन एवरी थिंग्स हैपनिंग्स अराउंड देम. आई मीन उनका ये थॉट रहता है कि जो भी घटनाएं हो रही है हर जगह मुझे इन्वॉल्व होना है, मेरी वजह से हो रही है, मैं ही केंद्र बिंदु हूँ, मतलब हर एक ट्रेजडी के पीछे मेरा ही हाथ है. आई मीन वो अपनी इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा शो करना चाहता है कि अगर चार लोग डिस्कस करें तो वो सोचेगा कि मेरे बारे में डिस्कस करें, अगर कोई घटना हो रही है ना तो वो भी मेरी वजह से हो रही है, मतलब अपने आप की इंपॉर्टेंस वैल्यू देने के लिए वो ये सारे थॉट्स को अपने अंदर रखता है. कौन रखता है? बोर व्यक्ति. फिर आगे क्या बोल रहा है, बोर्स आर हैप्पी. बोर्स लोग ये क्वालिटी रखने के कारण क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं. और दिस इज़ बिकॉज दे हैव अ लॉट टू टेल एंड नेवर फेल टू फाइंड देयर लिसनर्स. और वो हमेशा अपनी बोरिंग बातें बताने के लिए लिसनर्स में सुनने वाले को ढूंढ ही लेते हैं, है ना, मतलब वो ऐसे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं जिनकी बातों को सुने और मतलब इंटरेस्ट दिखाए ऐसा. फिर नेक्स्ट वाला बोल रहा, दे आर ऑलवेज श्योर ऑफ देयर लिसनर्स बिकॉज ऑफ द अनफेलिंग काइंडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. फ्यू कैन ब्लंटली टेल देम टू स्टॉप. मतलब वो अपनी श्रोताओं को ढूंढ लेते हैं और बहुत जो ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि कभी किसी को जल्दी से हर्ट नहीं करना चाहता. इसमें से कुछ परसेंट ही लोग हैं जो लोग स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होते हैं और मुंह पे बोल देते हैं, तो कुछ लोग ही कहते हैं कि आप बोर हो और हमसे बात मत करो, है ना, बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है. फिर नेक्स्ट बोल रहा है, ब्लंटली का मैंने यहाँ जिक्र किया था, देखिए साफ साफ यही होता है कि साफ साफ बोल देना. फिर नेक्स्ट मेरा है पैराग्राफ कह रहा है कि दे मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल. कवर्ड्स मैंने वर्ड शेयर किया है कायर करके, तो मतलब कह रहा है कि दे मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल. दे इज टू से वी आर लेफ्ट आइदर टू लिसन मीकली और टू रिजॉर्ट टू कवर्ड स्कैम. मतलब हम अपनी कायरता की वजह से, मतलब राइटर ऐसा हम लोगों को व्यंग कस रहा है कि हम अपनी कायरता की वजह से कभी कभी किसी को सच्चाई नहीं बोल पाते हैं, ऐसा कमेंट कर रहा है. फिर वो कहते हैं, अ फ्रेंड ऑफ लुकस हैज परफेक्टेड अ वेरी क्लेवर मेथड ऑफ अवॉइडिंग बोर्स. मतलब जो राइटर है ईवी लुकस के, वो ऐसा कहते हैं कि मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने का, है ना, मेथड ऑफ अवॉइडिंग बोर्स, मतलब उनको अवॉइड करने का. वो है, ही हैड एन एग्रीमेंट विथ अ पेज बॉय. वो एक मतलब सर्वेंट को रखेंगे हुज ड्यूटी, और उसकी ड्यूटी ये रहेगी कि जब भी, है ना, हुज ड्यूटी वॉज टू रिज्यूज हिम फॉर अ बोर इन द क्लब बाय हैस्टेनिंग अप एंड टेलिंग हिम दैट वॉज अ टेलीफोन कॉल फॉर हिम. जब भी किसी कोई व्यक्ति उन्हें, कोई पर्सन उन्हें बोर करे, तो मेरा जो सर्वेंट है वो आए और ये कहे कि सर आपका इम्पोर्टेंट कॉल आया है, तो जिससे वो उस उस टाइम पे उसको इग्नोर कर सके, है ना, ये कह के कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया, ऐसा उसका फ्रेंड जो है सजेशन दे रहा है. तो फिर लुकस जी आगे वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि बट द क्लेवर डिवाइस और मेथड हैड अ डिफीट, इट कुड नॉट बी मेड यूज ऑफ टू ऑफन विदाउट केसिंग पेन टू द सिंपल सोल दैट इज द बोर. मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो है बहुत ही चालाक वाला मेथड है, लेकिन इसमें कुछ अवगुण भी है. क्या है कि इट कुड नॉट बी मेड यूज टू ऑफन. इस मेथड को हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि विदाउट केसिंग पेन टू द सिंपल सोल दैट इज़ द बोर. मतलब यदि कोई व्यक्ति अच्छा है और बार बार हम उसके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, हम आपसे बात नहीं कर सकते, तो इससे उनको हर्ट होगा. तो हर्ट करना किसी को अच्छी बात नहीं है, ऐसा बोर कह रहे हैं, ऐसा बोर व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं ईवी लुकस जी. फिर क्या बोल रहे हैं, टू सेट्स ऑफ पीपल आर नॉट बोर. वो कहते हैं कि दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो बोर नहीं होते. इनमें फर्स्ट है द शेवर्ड और क्राफ्टी पीपल एंड द वेरी बिजी मैन.
बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा चालाक होते हैं, फाइस्ट होते हैं, वो लोग बोर नहीं होते. सेकेंड, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वो लोग भी बोर नहीं होते, क्योंकि चालाक जो होते हैं वो अपनी चालाकी से निकल जाते हैं, और जो बिजी रहते हैं वो इतना वर्क करते हैं कि सामने वाला खुद बोर सोचता है कि ये तो बहुत बिजी है, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, है ना. तो इस तरीके से जो दो लोग हैं उस पर कोई बोर लोगों का इफेक्ट नहीं होता है. फिर नेक्स्ट ये बोल रहे हैं पैराग्राफ में कि वन ऑफ द बोर्ड्स द बटन होल्डिंग बोर इज डिफिकल्ट टू डील विद. दिस इज बिकॉज ही स्प्रेड बर्ड लाइन ऑल ओवर द कैच. मतलब जो सब उबाऊ व्यक्ति जो होते हैं उनका बटन होल को थाम कर बात करना है, निपटना कठिन है, क्योंकि उनसे निपटना जो है बहुत कठिन है. इसलिए वो क्या हो जाते हैं, जो मतलब आई मीन हर कोई इनसे निपट नहीं पाता, इसलिए जो बोर है उसके काफ़ी लोग शिकार हो जाते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है द बटन होल्डिंग, ये वाला तो मैंने शेयर कर लिया. अब ये बोल रहा है लुकस रिफर टू द वर्स्ट टाइप ऑफ बोर हु सेज दैट वी वुड बी नाउ दे आर विदाउट अ सेंस ऑफ ह्यूमर. ही डिक्लेयर्स दैट ओनली हीज अनफेलिंग सेंस ऑफ ह्यूमर हैड सेव्ड हिम. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लुकस सबसे बुरे प्रकार के बोर व्यक्तियों के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा है. क्या डिस्कस कर रहा है कि मतलब वो लोग ना मतलब हमेशा मजाक में ही बातें करते हैं, और उनको सोचते हैं कि इस तरीके से मजाक करते करते ही उनकी लाइफ बीत जाएगी, और वो हमेशा मतलब उनका मतलब उनका मजाक ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा उनका थॉट रहता है. फिर क्या बोल रहे हैं कि लुकस सजेस्ट अ रिमीडली टू डील विद बोर्ड्स. लुकस जी सजेशन दे रहे हैं कि विद बोर्ड्स कल्टिवेट्स द हैबिट ऑफ थिंकिंग ट्रूथफुली अलाउंड द अदर रिमेडी इज टू ट्रेन अवर सेल्स टू बी डाउन राइट ऑफन सीव बोर्ड्स आर इम्यून टू हिंट्स. वो ऐसा कह रहे हैं कि हमें जो भी बातें हैं उसको क्लियर रखनी चाहिए, और यदि हमें कोई बोर कर रहा है तो उसको भी प्यार से बोल देना चाहिए कि आप हमें बोर कर रहे हैं, और यदि प्यार से वो नहीं समझते तो आप अपने अपना जो नेचर है थोड़ा सा एंग्रीपन भी रखिए, जिससे क्योंकि कुछ जो बोर होते हैं कैटेगरी ये होती है कि वो लोग इतने ज़्यादा बोर होते हैं कि विश्रम भी होते हैं. प्लस वो विश्रम वर्ड इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल सामने वाले के इंटरेस्ट का कोई मतलब कोई मैटर नहीं करता, वो सिर्फ बोलते चले जाते हैं, है ना. तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों को अपना थोड़ा सा एंग्री नेचर रखना चाहिए, जिससे क्योंकि कुछ लोगों के लिए इशारा काफ़ी नहीं होता. तो इस तरीके से इस चैप्टर में बोर ने बोर व्यक्तियों के बारे में ईवी लुकस जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है. ओके, थैंक यू गाइड्स.